अनमोल, पीहू, चलो जल्दी उठ। पीहू, अरे वाह, तुम तो आज बहुत जल्दी उठ गई हो। मॉम प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करो, मेरा एग्जाम है, मुझे पढ़ना है। क्या, तुम्हारा एग्जाम है आज? तुमने मुझे बताया भी नहीं। लाओ मैं तुम्हारी कुछ हेल्प करूं? हाँ, आपको किचन से फुर्सत होगी, आप तब हेल्प करोगी ना। मॉम प्लीज जाके अपना काम करो और मुझे पढ़ने दो, प्लीज डिस्टर्ब मत करो। पीहू लेकिन मुझे बताओ तो। आओ ना। अच्छा ठीक है। मम्मा, मम्मा। सुनिधि माय डॉल, दिमाग फिर गया है तेरा या थोड़ा और खराब हो गया है? सुबह सुबह क्यों परेशान किया मुझे? अभी तक तो मैंने मॉर्निंग टी भी नहीं पी है। मम्मा सारी गलती आपकी है, आपने ही मुझे गलत सीख दी। आपने जो राह दिखाई उस पर मैं चली। आपने कहा कि इंसान को हमेशा थोड़ा चतुर चलाक और मक्कार होना चाहिए, तो मैं बनी, मगर फिर भी मैंने मुंह की ही खाई। मम्मा, दीदी, दीदी मुझे धमकी दे रही है कि वो भाई साहब को जाकर सारी सच्चाई बता देंगी। और तो और, मेरा बेबी, मेरा संजू बेबी भी मुझसे नाराज है, झगड़ा हो गया हमारा। अरे चिल, सुबह सुबह मूड का ना मटर पुलाव मत बना। तेरी मॉम की टीचिंग्स कभी फेल नहीं हो सकती। अच्छा ये चार दिन भले ही जीत का मुंह देख ले, लेकिन अंत में जीत मकारी और चलाकी की ही होती है, यानी हमारी। और रहा सवाल तेरी प्रतिभा दीदी का, तो वो तुझे डरा रही है। बस कहना होता तो कब का कह चुकी होती। और ये संजीव से झगड़े का क्या रोना रोती रहती है बेवकूफों की तरह? वो तो बेबी है, राइट? लौट कर तेरे पास ही आएगा, सॉरी भी कहेगा, प्यार भी करेगा। और बता, एनीथिंग इम्पोर्टेंट? मुझे मेकअप करने जाना है। मम्मा मैं बर्बाद हो गई, लूट गई मैं, सारा का सारा आसमान मेरे सर पर गिर पड़ा। I'm dead, मम्मा। चाची जी, जाते जाते अपने हिस्से की सारी प्रॉपर्टी दीदी के नाम कर गई। कम से कम 2 करोड़ की प्रॉपर्टी की मालकिन बन गई वो दीदी। क्या? हाँ मॉम, हाँ। क्या? मम्मा अब तुम ही बताओ कि क्या करना है, कोई सॉलिड आइडिया दो मम्मा, वरना इस मायूसी और डिप्रेशन में आकर मैं कुछ कर ना बैठूं, कुछ गलत ना कर दूं। नहीं, आत्महत्या तू कर नहीं सकती। बाकी कुछ करना तेरे बस की बात नहीं। एक काम तू कर सकती है, तू ना तू अपने पति की जान खा जा, उससे कह के वो अपने भाई से बात करे, ताकि वो अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा तुम्हारे नाम कर दे, वरना उस घर में तेरी हालत ना अनाथ जैसी हो जाएगी, ना घर की ना घाट की। और महेन और प्रतिभा सब कुछ लपेट लेंगे, समझी? संजीव अचार लोगे? जी बाबू। पीहू क्या कर रहे हो तुम, तुमने अभी तक कुछ भी नहीं खाया। पढ़ाई बाद में कर लेना, पहले नाश्ता करो चलो। तजी मेरी दुकान बंद थी, मैं शादी में थोड़ा बिजी था, उस चक्कर में ये ऑर्डर डिले हो गया है, पर आप चिंता मत कीजिए, मैं जल्द से जल्द निपटाता हूँ। देरी के लिए एक बार फिर से माफी, मैं जल्द से जल्द करता हूँ। ओके प्रतिभा, नाश्ता दो फटाफट। जी जी जी। मुझे जल्दी जाना है, दुकान बहुत सारा काम पेंडिंग है। अरे ये क्या, मकान मालिक को यूं काम करना शोभा नहीं देता। हम है ना बिना किराए के किराएदार, ऑर्डर करो, हम है आपकी सेवा में, सेवा करने के लिए। अरे क्या हो गया माँ, क्या कह रही हो? क्या बात कर रही हूँ, मतलब मैं गलत कह रही हूँ? मकान मालिक को मकान मालिक नहीं कहूंगी और क्या कहूंगी? माँ आप अच्छे से जानती हो कि प्रतिभा को इस बारे में कुछ नहीं मालूम था, जो भी किया है चाची ने किया है, अपनी मर्जी से किया है, प्रतिभा की इसमें कोई गलती नहीं है। हे भगवान, तो ये कसर रह गई थी तुम्हारी, मेरे अब बोलने चालने पे भी पाबंदी लगा रहे हो, अब तो मुझे किसी तीर्थ यात्रा पे जाके किसी आश्रम में रहना होगा। जयराम जी। अरे दादी, दादी अगर आप चले जाओगे तो मुझे प्यार कौन करेगा? आप ही तो मेरी प्यारी दादी। अरे मेरा राजा बेटा, इस घर में तू ही तो है मेरा सहारा, मेरा बच्चा। चलो भाई, मुझे स्कूल के लिए लेट हो रहा है। ऑल द बेस्ट पीयू, कम से कम पास होके आना। ऑल द बेस्ट पीयू। पीयू जी पापा, तैयारी हो गई अच्छे से? हाँ जी। ऑल द बेस्ट पीयू। थैंक यू एवरीवन। अच्छा पीयू सुनो, मैंने तुम लोगों का डब्बा पैक कर दिया है, प्लीज खाना खत्म करना। हाँ ओके मॉम, बाय।
बाय। हेलो। अच्छा एक काम कीजिए, आप आ जाइए, मैं घर पे पेमेंट तैयार रखता हूँ। महीन क्या हुआ, आप एकदम से परेशान हो गए इस फोन कॉल के बाद? ओ प्रतिभा, शादी के कुछ बिल्स चुकाने हैं अभी बचे हुए हैं, और मैंने आज बोला था पेमेंट के लिए, तो वही लोग फोन किए जा रहे हैं। पर ऐसा कैसे, चाची जी ने तो सारे बिल्स चुका दिए हैं ना महीन। अरे प्रतिभा, शादी में 36 काम होते हैं, तो कुछ कामों के लिए मैंने एडवांस पेमेंट कर दिया था। अब मौका नहीं था, माहौल नहीं था, इसलिए चाचा चाची से मैं पैसों के बारे में बात नहीं कर पाया, सही नहीं लगता। अब बैलेंस पेमेंट के लिए फोन आए जा रहे हैं उन्हीं लोगों के। अरे तो तुझे क्या जरूरत थी उन्हीं के हाथ में थमा देता बिल, अपना तो बंटा धार करके गई कमखत कहीं की। अरे माँ ऐसा नहीं है, अब नम्रता मेरी छोटी बहन है भाई, उसकी शादी में थोड़ा बहुत खर्च हो गया तो क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है। चक्कर ये है आज मैं घर पे कैसे रुक सकता हूँ, ग्राहक नाराज हो जाएंगे, क्या करूं ऐसे में। भैया मैं घर पे रुक जाता, लेकिन शादी के चक्कर में इतनी छुट्टियां ले चुका हूं कि अगर आज ऑफिस नहीं जाऊंगा तो प्रॉब्लम में आ जाऊंगा। नहीं नहीं ठीक है, तू ऑफिस जा। नहीं एक काम, मैं ही रुक जाता हूं, पेंडिंग पेमेंट करना बहुत जरूरी है, मार्केट में नाम खराब हो जाएगा, दुकान पे असर आएगा, मैं रुक जाता हूं। नहीं नहीं महीन आप परेशान मत होइए, आप बस जाकर दुकान संभालिए, बाकी ये बिल्स मैं चुका दूंगी। अब क्या दीदी घर के अलावा बाहर का भी काम करेंगी? हाँ ठीक है, और ये बिल्स क्लियर करने होंगे, चेक करने होंगे, ये सब करना पड़ेगा। प्रतिभा तुम कर लोगी? हाँ हाँ महीन भरोसा रखिए, मैं कर लूंगी। और अगर मुझे कोई भी डाउट हुआ तो मैं आपसे फोन पे पूछ लूंगी, आप बस एक काम कीजिएगा, आप दुकान के लिए निकलने से पहले मुझे एक बार समझा दीजिएगा। चलो प्रतिभा मैं तुम्हें समझा देता हूँ। अरे पहले अपना नाश्ता तो खत्म कर लीजिए। प्रतिभा चलो मैं तुम्हें समझा देता हूँ फटाफट। प्रतिभा ये कैंटीन के कुछ बिल्स हैं। हाय रे मेरा मुन्नु तो मेरे हाथ से निकल गया, अब क्या होगा? माँ एक काम करो, अब सच में तीरथ चले जाओ। हाँ? नहीं पराठा खाओ ना आप। कार्ड सर, एक्चुअली आई एम सॉरी, मुझे मेरा कार्ड नहीं मिल रहा है। विदाउट एडमिट कार्ड एग्जाम में एंट्री नहीं हो सकती। आप प्लीज मुझे एग्जाम में बैठने दीजिए, आई प्रॉमिस मैं आपको एग्जाम के बाद जरूर कार्ड दे दूंगी। अभी भी 15-20 मिनट बाकी है, जाओ और एडमिट कार्ड लेकर आओ। भाभी आप ये सब अकेले क्यों कर रहे हो?
तो निधि भाभी को कहेंगे थोड़ी सी मदद करने के लिए। आपको पता है अगर चाची ने सारी प्रॉपर्टी उनके नाम कर दी होती ना, सारे घर पे रौब जमाए फिरती। और वैसे भी अब तो कोई काम नहीं कर रही है ना, आपकी मदद कर सकती है। क्यों ऐसी बातें बोल रही है तू? हो सकता है कि बेचारी शायद थक गई हो, इसलिए तो आज बुटीक भी नहीं गई। और वैसे भी शालू, अगर मैं उसे मदद मांगूंगी ना, तो कहीं उसे ये ना लगने लगे कि प्रॉपर्टी मिलने के बाद मैं उससे कुछ काम करवाना चाह रही हूँ। क्या भाभी, आप कितनी बोली हो, आप हमेशा दूसरों के बारे में ही सोचती हो, लेकिन दूसरों को भी काम देने की आदत डाल लीजिए। अगर कल को आपको कहीं जाना रहा तो ठीक है ना, अगर कल को ऐसी कोई भी नौबत आई तो मैं मदद मांग लूंगी उससे। अच्छा, देख लेंगे। हेलो हेलो माँ, चाचू है क्या घर पे? पीहू, वो तो ऑफिस में है, क्यों, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है माँ, मेरे पास मेरा कार्ड नहीं है। अगर 20 मिनट में मेरे पास मेरा कार्ड नहीं आया तो मुझे एग्जाम में नहीं बैठने देंगे। क्या ऐसे कैसे? तू वहीं रुक, तू बिल्कुल घबरा मत। हाँ, मैं तेरा एडमिट कार्ड जितनी जल्दी हो सके ढूंढ कर वहाँ लेकर आती हूँ। प्लीज माँ, आपसे क्या होगा, आप प्लीज चाचा चाची को भेजिए कार्ड के साथ जल्दी। हाँ ठीक है, मैं आ रही हूँ, तू वहीं रुक। चालू, ये सब काम छोड़, जल्दी उसका एडमिट कार्ड ढूंढना है। चलो मैं यहाँ देखती हूँ, तू यहाँ देख। जी भाभी। कहाँ छोड़ गई ये लड़की कार्ड? मिल गया शालू। सुनिधि सुनो, मैं बाहर जा रही हूँ, अगर वो खाने और पंडाल वाले लोग हिसाब किताब के लिए आएंगे ना, तुम प्लीज उन्हें मेरे आने तक रोक के रखना किसी भी तरह। मैं आधे घंटे में आ जाऊंगी। वाओ दीदी, आपके भाव कितने बढ़ गए ना, मकान मालकिन बन गई है तो अब आप मुझ पर रोब जमाएंगी? सुनिधि, ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम सोच रही हो। प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश करो, मैं बहुत जल्दी में हूँ, मुझे सचमुच तुम्हारी मदद की जरूरत है। तुम कर दोगी? हाँ हाँ दीदी, क्यों नहीं, मैं कर दूंगी। थैंक यू। तुम किचन का काम देख लेना, मैं आ रही हूँ थोड़ी देर में। Pihu, now you have only 5 minutes, okay? Auto, एक मिनट। भैया, Saint Lord's High School, जल्दी लो। क्या हुआ भैया, आपने रोक क्यों दिया? मैडम आगे नहीं जा सकते, आप देख रहे कितनी भीड़ है। भैया लेकिन कुछ तो हो सकता है। नहीं मैडम, एक ही रास्ता है, इधर से जाना पड़ेगा। अरे, अब एग्जाम टाइम स्टार्ट्स नाउ। आपका कार्ड अभी तक नहीं आया, सबको पेपर बांट दो। अच्छा, ये लीजिए भैया। जी। Thank you.
एक मिनट, ये क्लास 9th के एग्जाम कहाँ हो रहे हैं? ओके ओके थैंक यू पियो, एडमिट कार्ड। सर सर, मेरा एडमिट कार्ड। नमस्ते सर, ये एडमिट कार्ड पीहू को प्लीज एग्जाम देने दीजिए। सॉरी, अब वो एग्जाम में नहीं बैठ सकती क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी है। सर प्लीज बात को समझने की कोशिश कीजिए, इस बच्चे ने बहुत मेहनत की है, पूरे साल बहुत मेहनत की है सर, दिन रात एक कर दिया है इसने, प्लीज इसे एग्जाम देने दीजिए सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। देखिए, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, आखिर रूल्स आर रूल्स। आई एम सॉरी सर, मैं आपके रूल समझ रही हूँ, बिल्कुल ठीक है, जितना टाइम जा चुका है उसका हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो टाइम बाकी है उसमें तो ये एग्जाम लिख सकती है, आप उसे एक्स्ट्रा टाइम मत दीजिएगा सर प्लीज। मैं विनती करती हूँ आपसे, अगर पीहू की जगह आपकी आपकी खुद की बेटी होती तो आप क्या करते सर? प्लीज सर, प्लीज प्लीज। फाइन, बी फास्ट, जा जा जल्दी जा, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सर, थैंक यू। अरे क्या तमाशा है यार, 15 मिनट से बेल बजा रहा हूँ, घर में कोई है भी के नहीं, काम होने के बाद पेमेंट देने में सभी रोते हैं, अब बताइए अग्रवाल फैमिली का ये हालत है तो बाकी लोगों को क्या कहेंगे हम? सब नाटक है इन लोगों का, मक्खी चूस की औलाद। एक काम करते हैं, मैं इनकी शॉप पर चलते हैं, अब अगर उसने दरवाजा बंद रखा है अपने घर का तो शॉप थोड़ी ना बंद कर सकता है। हाँ हाँ बिल्कुल सही, चलो चलते हैं, चलो चलो चलो। ये हुई ना बात, अब देखती हूँ दीदी भाई साहब को इस बारे में क्या जवाब देते हैं। सुनीति, वो लोग आए थे क्या, मतलब जो आने वाले थे? नहीं नहीं दीदी, कोई भी नहीं आया। कोई नहीं आया था, लेकिन मैंने कुछ लोगों को बाहर जाते हुए देखा, वो यहाँ नहीं आए थे क्या? अरे नहीं नहीं दीदी, कोई नहीं आया यहाँ पर, और गली में तो इतने सारे घर हैं, कहीं और गए होंगे वो लोग। और वैसे दीदी, अब तो आप वापस आ गई है ना, वो क्या है ना, मैं बहुत थक गई हूँ दीदी, आज इतना सारा काम करना पड़ा इसलिए थकान हो गई, मैं जरा अंदर जाकर आराम कर लेती हूँ। ओके ऐसा कैसे हो सकता है, महेश ने तो कहा था कि अब तक वो लोग आ जाएंगे, काफी टाइम हो गया है, अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। ये देखिए मैम, ये वाली बिल्कुल आपकी पसंद की है। हाँ महेंद्र भाई,